हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे तो आज हम बॉडी केयर का चॉकलेट वैक्स आज हाथों पे करेंगे तो देखिए हम कैसे हाथों की वैक्स करते हैं वैक्स को हल्का सा गुनगुना कर लिए और उसको हम हाथों पे अपने डायरेक्शन के हिसाब से फ़र्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर लिए देखिए किस प्रकार वैक्स निकले हैं इसमें वैक्स के साथ साथ बाल भी आए हैं टेनिंग भी आई है आप चाहें तो लकड़ी की स्पून से स्पैचला या स्पून कुछ भी बोल सकते हैं कर सकते हैं या फिर स्टील की भी आती है तो हमें लकड़ी की या स्पैचला से ही अच्छा लगता है करने में स्टील की स्पैचला से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो वैक्स से ज़्यादा स्पून ही गर्म हो जाता है जैसे ही पट्टी को हम वैक्स पे लगाते हैं वैसे ही हल्का सा दबाव देने के साथ इसको झटके से खींचते हैं अगर वैक्स पट्टी को आप आराम से खींच रहे हैं तो बाल सही से नहीं निकलेंगे बाल छूट जाएंगे टूट जाएंगे और सही से नहीं निकलेंगे तो इस पर आपको दोबारा तिबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा इसलिए आप पट्टी को झटके से खींचें नीचे की ओर स्किन को अच्छे से पकड़ लें क्योंकि किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि ढीली होती है तो नीचे से आप टाइट पकड़ लें उसके बाद पट्टी खींचें देखिए कितनी गंदगी आई है जितने हाथों पे टैनिंग होते हैं डेड स्किन होते हैं सारे रिमूव हो जाते हैं बाल के साथ साथ देखिए कोनी इनके कितने डार्क हैं अभी इस पर हम फर्स्ट अप्लीकेशन कर रहे हैं तो देखिए कितना ये साफ़ होता है वैक्स आप नॉर्मल रखें नॉर्मल गर्म रहने से आपको डर नहीं रहेगा और वैक्स को अप्लीकेशन आप एक बराबर से करें कहीं ज़्यादा कहीं कम करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा देखिए फर्स्ट अप्लीकेशन में इनको कितना अच्छा से रिमूव हो गया अब हम नीचे वैक्स करेंगे हाथों के नीचे वाले हिस्से पे बाल तो उतना होते नहीं है बट इस पर भी हम वैक्स अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ के भी टर्निंग रिमूव हो जाएंगे हाथ एक जैसा क्लीन दिखेगा आप फिंगर पे भी कर लीजिए क्योंकि फिंगर भी डार्क रहता है बहुत आसान है आप कर सकते हैं इजली वैक्स कर सकते हैं बट आप हल्का गुनगुना रखें क्योंकि ज़्यादा गर्म ना करें देखिए अब हम दूसरे हाथों का वैक्स करेंगे इस पर देखिए कहीं छूट रहा है कहीं कहीं से तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका है इसकी वजह से ये इस तरह दिख रहा है अब इस पर हम पट्टी चिपकाएंगे तो देखिए जैसे हम पट्टी चिपकाएं हल्का सा दबाव दिए और खींच दिए पट्टी को झटके से खींचने से दर्द भी कम होता है और बाल भी अच्छे से रिमूव होते हैं टैनिंग भी अच्छे से रिमूव होते हैं तो इसको जितना स्पीड हाथ चलाओगे उतना अच्छे से हो जाएगा और उतना कम समय में हो जाएगा फ़र्क पता चल रहा होगा कि कैसे जहाँ पे हम बाल को रिमूव किए और जहाँ से नहीं किए हैं वहाँ का फ़र्क पता चल ही रहा है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी वीडियो हम अगर डाल रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको चले जाएगा लगभग हम पूरे हाथ पे वैक्स कर लिए हैं जहाँ कहीं से आपको बाल दिखता है तो आप दोबारा अप्लीकेशन कर सकते हैं बट कोशिश करें कि आप फ़र्स्ट अप्लीकेशन में सारे बाल को अच्छे से रिमूव कर लें हर मौसम में हर वैक्स सही से बाल रिमूव नहीं करते हैं बट चॉकलेट वैक्स हो गया और ये रिका वैक्स हो गया ये हर मौसम में अच्छे से काम करते हैं क्योंकि बरसात और गर्मी में बहुत अंतर होता है ठंड के मौसम में कोई भी वैक्स बाल रिमूव कर देते हैं अच्छे से बट बर, बरसात और गर्मी में हर वैक्स बाल अच्छे से रिमूव नहीं करते आप बहुत परेशान हो जाओगे एक ही जगह पे दो बार तीन बार आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा इसलिए आप इन बातों का भी ध्यान दें क्योंकि समय के अनुसार आप वैक्स लाएँ जहाँ से हमें लगा कि अच्छे से नहीं रिमूव हुआ है अच्छे से ट्रेनिंग नहीं रिमूव हुई है तो वहाँ पे हम दोबारा अप्लीकेशन कर लिए देखिए हल्का सा हम पट्टी को धीरे खींचते हैं तो कैसे हो जाता है इसलिए आप झटके से पट्टी खींचें धीरे खींचने से पट्टी बहुत दर्द होता है जैसे ही पूरे हाथ पे वैक्स हम कर लेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार पहले हाथ थे और करने के बाद किस प्रकार हो जाता है तो बहुत क्लीन हो जाता है बहुत अच्छा दिखता है ये चॉकलेट वैक्स और नॉर्मल वैक्स जितना भी होता है ये पानी से रिमूव हो जाता है आप नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं रिमूव आपको इसमें लोशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है आप हाथों को अच्छे से क्लीन करने के बाद आप लोशन, कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए वैक्स तो हमारे दोनों हाथ पे हो गए हैं तो अब हम इसको अच्छे से नॉर्मल वाटर से रिमूव कर रहे हैं हल्का सा चिपचिपा हो जाता है तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इस पर हम स्किन को ठंडा होने के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे आपको जो पसंद है आप जो चाहते हैं आप लगा सकते हैं हम ग्रीन एलोवेरा जेल अप्लाई किए हैं दोनों हाथों पे हम अच्छे से जेल अप्लाई कर लेंगे क्योंकि इससे स्किन स्मूथ हो जाता है ठंडापन होता है इससे वैस करने के बाद हाथ पूरा गर्म रहता है इसके वजह से हम जेल अप्लाई करते हैं ताकि वैक्स करने के बाद जलन फील ना हो ये देखिए हम अच्छे से क्रीम को मिला लिए हैं अब देखिए दोनों हाथ का स्किन किस तरह दिख रहा है कितना क्लीन कितना साइन करता है ये अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा आइकन दबाना ना भूलें ठीक है मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय